कहानी की स्टार्टिंग बारिश वाले दिन से होती है और अमाने को शीना बारिश में भीगती हुई दिखती है। वो उससे पूछता है, तुम बारिश में क्या कर रही हो? शीना उसे उसके बारे में चिंता करने के लिए थैंक्स कहती है। वो कहती है, मैं यहाँ अपनी मर्जी से बैठी हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अमाने उसे अपना अम्ब्रेला देता है और खुद बारिश में भीगता हुआ घर जाता है। और ये पहली बार था जब उसने शीना से बात करी थी। अगले दिन बारिश में भीगने की वजह से उसे कोल्ड हो गया था। वो स्कूल में बैठा हुआ था और शीना वहाँ आती है। सभी लड़के उसे एंजल कहते हैं और अमाने बताता है, एंजल खूबसूरत है, पढ़ाई में टॉप पे रहती है, स्पोर्ट्स में भी अच्छी है, उसे हर कोई प्यार करता है। ज्यादातर सभी लड़कों का ड्रीम है कि वो उसे डेट करे, वो मेरी लीग से बाहर है। स्कूल के बाद अमाने अपने घर जाता है, उसे गेट पे ही शीना मिलती है। वो उसे अम्ब्रेला रिटर्न करना चाहती थी पर अमाने कहता है, मैंने कहा था ना लौटाने की जरूरत नहीं है। शीना कहती है, मैं दूसरों की चीजें अपने पास नहीं रखती। अब अमाने अपने रूम में जाने लगता है पर वो गेट पे ही लड़खड़ा रहा था। शीना कहती है, मैं इस हालत में तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती, तुम्हें मेरी वजह से कोल्ड हुआ है, मुझे तुम्हारा ध्यान रखने दो। अब वो उसके रूम का गेट ओपन करती है और रूम बहुत मैसी था। वो कहती है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, तुम अपने कपड़े चेंज कर लो, मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। वैसे उसका रूम अमाने के साथ वाला ही था। शाम को जब अमाने की आँख खुलती है तो वो सामने शीना को देखता है। वो बताती है, तुम 2 घंटे से सो रहे थे। और वो पूछती है, तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैंने दलिया बनाया है, मैं लेकर आती हूँ। और जब तक वो उसे टेम्परेचर चेक करने को बोलती है, अमाने उसी टाइम अपनी टी शर्ट ऊपर करके चेक करने लगता है। शीना अपनी आंखें बंद करके कहती है, मेरे जाने के बाद कर लेना। अमाने उसे देखता है और मन में कहता है, अब मुझे समझ आया सब इसे क्यूट क्यों कहते हैं। कुछ टाइम बाद शीना उसके लिए दलिया लाती है। अमाने दलिया को देखे जा रहा था। शीना कहती है, क्या चाहते हो, अब मैं अपने हाथों से भी खिलाऊं? मैं ये नहीं करने वाली। अमाने कहता है, मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि तुम खाना बना सकती हो। शीना कहती है, मैं अकेले रहती हूँ तो मैंने बनाना सीख लिया था। और तुम्हारे रूम को देखकर लगता है तुम्हें कुकिंग से पहले रूम साफ करना सीखना चाहिए। अब अमाने दलिया खाता है और उसे कॉम्प्लीमेंट देता है। शीना थैंक्स कहती है। दलिया फिनिश करने के बाद अमाने पूछता है, तुम बारिश में क्यों भीग रही थी? क्या तुम्हारी बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई थी? शीना कहती है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरा बॉयफ्रेंड है? अमाने कहता है, क्योंकि तुम बहुत पॉपुलर हो, मुझे लगा एक दो बॉयफ्रेंड तो होंगे ही। शीना कहती है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो एक साथ दो दो लड़कों को डेट करे। अमाने कहता है, सॉरी, मेरा तुम्हारा मूड खराब करने का कोई इरादा नहीं था। शीना कहती है, नहीं नहीं मैं ही जोश में आ गई थी, सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें कोल्ड हो गया। अमाने कहता है, सॉरी कहने की जरूरत नहीं, अम्ब्रेला देना मेरा डिसीजन था, गिल्टी फील मत करो, वैसे भी हम आज के बाद थोड़ी ना बात करने वाले हैं। वो कहता है, किसी ऐसे की केयर करना जिसे तुम लाइक नहीं करते हेडेक से कम नहीं होता। शीना कहती है, हाँ शायद। अमाने कहता है, मुझे पता था, चलो सही है, मुझे पता चला एंजल को भी दूसरे लोगों की तरह प्रॉब्लम होती है। शीना कहते हैं, मुझे एंजल मत कहा करो। अब रात को सोते हुए अमाने यही सोचकर सोता है कि कल से हम अजनबी हो जाएंगे। अगले दिन दोनों हमेशा की तरह अपना स्कूल डे स्पेंड करते हैं। और शाम को अमाने बालकनी में एनर्जी वाली जेली खा रहा था। शीना उसे देखती है और कहती है, यही तुम्हारा डिनर है? वो कहती है, तुम्हें अपने खाने का ध्यान रखना चाहिए, रुको मैं अभी आती हूँ। फिर वो उसे कुछ बचा हुआ खाना लाकर देती है। अमाने कहता है, एंजल के हाथ का बना खाना रोज रोज खाने को थोड़ी ना मिलता है। शीना कहती है, मैंने कहा था ना मुझे एंजल कहना बंद करो। अमाने सॉरी कहता है। अब अमाने खाना खाता है और उसे वो बहुत अच्छा लगता है। फिर अमाने उस बॉक्स को वॉश करके देने जाता है तो शीना उसे दूसरा खाने का बॉक्स पकड़ा देती है और पूछती है, तुम्हें किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है? अमाने कहता है, मुझे किसी चीज से नहीं है पर मैं और फूड नहीं ले सकता। शीना कहती है, मैं हमेशा ज्यादा खाना बना लेती हूँ, अगर तुम ले लोगे तो इससे मेरी हेल्प होगी। अमाने कहता है, ऐसी बात है तो मैं ले लेता हूँ पर इससे दूसरे हमारे बारे में गलत सोच लेंगे। शीना कहते, तुम तो नहीं समझोगे ना? अमाने कहते है, नहीं। शीना कहते, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद डेली ऐसा ही होने लगता है। शाम को अमाने सुपरमार्केट जाता है और उसे वहाँ शीना मिलती है। वो कहता है, मैं तुम्हें स्टॉक नहीं कर रहा। शीना कहती है, मुझे पता है, यहाँ पास में एक ही सुपरमार्केट है तो ये नॉर्मल है। और शीना कुछ खरीद रही थी जिसपे डिस्काउंट था पर एक बंदा सिर्फ एक ही परचेस कर सकता था। तो अमाने कहता है, मैं भी एक खरीद लेता हूँ। शॉपिंग होने के बाद अमाने सारा सामान कैरी करने लगता है
शीना कहती है, मैं अपना सामान खुद कैरी कर सकती हूँ। अमाने कहता है, कभी कभी लोग क्यूट लगते हैं जब वो दूसरों पे रिलाय करते हैं। शीना कहती है, मैं तुम्हें क्यूट नहीं लगती। अमाने कहता है, मुझे जाना चाहिए, तुम नहीं चाहती होगी कि कोई हमें देख ले। अगले दिन शीना उसे विजिट करती है। अमाने सफाई कर रहा था पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे स्टार्ट करे, और गेट ओपन करते हुए वो गिरते गिरते बचा था। शीना उसकी हेल्प करने के लिए इंसिस्ट करती है, वो सारी सफाई में उसकी हेल्प कराती है। और एक बार वो किसी कपड़े पे पैर रखकर गिरने वाली थी, पर अमाने उसके नीचे आ जाता है और उसे बचा लेता है। शीना कहती है, मैं तो डरी गई थी। उनका पूरा दिन सफाई में चला जाता है और अमाने कहता है, हमें पिज्जा ऑर्डर करना चाहिए। पिज्जा आने के बाद शीना बताती है कि वो बाहर का पिज्जा पहली बार खा रही है, उसके पेरेंट्स घर पे ही कुकिंग करते हैं। अमाने कहता है, तुम तो अमीर होगी। शीना कहती है, हाँ कह सकते हो, मुझे आज तक कभी किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं हुई। शीना पिज्जा खाती है, अमाने उसे ही देख रहा था। शीना कहती है, क्या हुआ? अमाने कहता है, कुछ नहीं, बस तुम्हें देख रहा था। शीना कहती है, मुझे ऐसे मत घूरो। अमाने कहता है, तुम सच में क्यूट नहीं हो। शीना कहती है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमाने कहता है, तुम्हारा ये रूप मुझे स्कूल वाले रूप से अच्छा लगता है, ये रूप मेरे लिए कंफर्टेबल है। वो कहता है, किसी ऐसे से बात करना आसान होता है जो अपनी फीलिंग्स को लेकर ऑनेस्ट हो। शीना कहते है, क्या मैं स्कूल में बुरा बिहेव करती हूँ? अमाने कहता है, नहीं नहीं बस मैं कभी कभी सोचता हूँ, क्या तुम थकती नहीं हो? शीना कहती है, मैं हमेशा से ही ऐसी ही हूँ। अमाने कहता है, पर ये अच्छा है ना कि तुम यहाँ रिलैक्स हो पाती हो। शीना कहती है, अगर तुम मुझे ऐसे ही घूरते रहोगे तो मैं कैसे रिलैक्स हो पाऊंगी, मुझे नर्वस फील हो रहा है। अब शीना उसे थैंक्स कहकर जा रही थी। अमाने पूछता है, तुम्हें मुझे रोज फूड देने से क्या मिलता है? शीना कहती है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, मैं अपने कुकिंग स्किल का शो ऑफ कर रही हूँ। तुम कुछ और मत समझ लेना, तुम खुद को लक्की समझो और खाना एंजॉय करो। और फिर वो अपने रूम में चली जाती है। और इस तरह से अमाने की स्टोरी शीना के साथ स्टार्ट हुई थी। अगले दिन अमाने को शीना पार्क में बैठी हुई मिलती है। वो उसके यूनिफॉर्म पे फर देखता है और पूछता है, तुम कैट या डॉग के साथ खेल रही थी क्या? शीना कहती है, नहीं मैं एक कैट को बचा रही थी जो पेड़ से उतर नहीं पा रही थी। अमाने उसके लेग्स को देखता है और उसे कहता है, तुम यही वेट करो, मैं आता हूँ। वो मेडिकल सप्लाईज लेकर आता है और शीना को अपनी सॉक्स उतारने को कहता है। शीना उसे घूर रही थी। अमाने कहता है, ऐसे मत देखो, मेरे कोट से कवर कर लेना, मैं पीछे घूम जाऊंगा, उसके बाद मैं कोल्ड कंप्रेसर और बैंडेजेस लगा दूंगा। अब अमाने उसके एंकल की बर्फ से सिकाई करता है और फिर उसकी पट्टी करता है। वो कहता है, मुझे पर भी मत समझना। शीना कहती है, जो मेरी हेल्प कर रहा है मैं उसके बारे में ऐसा क्यों सोचूंगी। पट्टी करने के बाद अमाने उसे अपना स्वेटर और ट्राउजर देता है, जिससे जब वो उसे कैरी करे तो कोई उसे देख ना ले। फिर वो उसे कैरी करके घर तक लेकर जाता है। और अगले दिन अमाने स्पोर्ट्स पीरियड में शॉर्ट्स पहन के आया था। उसका दोस्त कहता है, क्या तुम पूरे साल यही पहनोगे? अमाने कहता है, मैं ट्राउजर लाना भूल गया। और फिर वो यूटा को देखते हैं, जिनको सभी लड़कियां प्रिंस कहकर चेयर कर रही थी। अमाने कहता है, वो मेरी क्लास में है पर हम बात नहीं करते। वो कहता है, एंजल और प्रिंस दोनों ही निकनेम स्कूल वालों ने ही उन्हें दिए हैं। तभी वो शीना को स्टेयर्स पे बैठा देखता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कुछ लड़कों को लगता है कि एंजल उन्हें देखकर स्माइल कर रही है। शाम को शीना अमाने को डिनर और उसका कोट वापस करती है। अमाने थैंक्स कहता है। फिर वो कहता है, एंजल की एक स्माइल भी लड़कों को पागल कर देती है। शीना कहती है, मैंने कहा था ना मुझे एंजल मत कहा करो। अमाने कहता है, जब कोई सुंदर लड़की स्माइल करती है तो लड़के खुश होते हैं, और जब यूटा आसपास होता है तो लड़कियां खुश होती है। शीना कहती है, यूटा तो बहुत पॉपुलर है। अमाने कहता है, तुम्हें उसमें इंटरेस्ट नहीं? शीना कहती है, नहीं वो मेरी क्लास में भी नहीं है। वो कहती है, अगर लोग लुक्स के लिए किसी को पसंद करे तो ये अजीब नहीं है कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? अमाने कहता है, तो तुम्हें पता है तुम गुड लुकिंग हो? शीना कहती है, ऑब्वियसली सब मेरे बारे में बात करते हैं तो मुझे पता है। वो बताती है, मैं अपने लुक्स का हमेशा ध्यान रखती हूँ। अब अमाने खाना देखता है और कहता है, कभी कभी मुझे फ्रेश खाना अच्छा लगता है। शीना कहते है, तुम चाहते हो मैं तुम्हारे घर में खाना बनाऊं? अमाने कहते है, नहीं नहीं तुम मुझे खाना देती हो वही बहुत है। शीना कहती है, तुम खाने के सामान का हाफ पे करो और मैं तुम्हारे घर पे कुकिंग करूंगी। अमाने कहता है, मुझे हाफ पे करने में खुशी होगी पर फिर भी तुम मेरे लिए ज्यादा कर रही हो, तुम्हें नहीं लगता ये डेंजरस हो सकता है? शीना कहती है, अगर तुमने मेरे साथ कुछ करने का ट्राई किया तो मैं तुम्हें फिजिकली क्रश कर दूंगी, जिससे तुम उस पार्ट को कभी यूज नहीं कर पाओगे। अमाने कहता है, सुनकर ही डर लगता है। शीना कहती है, मैंने सोचा और मुझे लगता है मुझे कोई खतरा नहीं है, तुम मुझे कुछ नहीं करोगे, तुम्हें पता ही है मैं स्कूल में कितनी पॉपुलर हूँ। अमाने कहता है, अगर मैंने कुछ किया तो सब मुझे कच्चा चबा जाएंगे। शीना कहती है, और मुझे लगता है मैं तुम्हारे टाइप की भी नहीं हूँ। अमाने कहता
जाता अगर मैं कहूँ हो तो? शीना कहती है, अगर ऐसा होता तो मुझसे बात करने के लिए तुमने बहुत बार ट्राई किया होता और मैं तुमसे दूरियां बना चुकी होती। अगले दिन शीना खाना बनाने उसके घर आती है और माने आधे खर्चे के साथ उसे लेबर कोस्ट भी देता था। और अगर वो किसी वजह से साथ खाना नहीं खा पाते थे तो वो एक दूसरे को पहले ही इन्फॉर्म कर देते थे। उन्होंने सफाई और सामान लाने का काम भी बांट लिया था। अब शीना सभी चीजें देखकर कहती है, ऐसा लगता है तुमने इसका यूज कभी नहीं किया है, ये सब ब्रांड न्यू लग रहे हैं। वो कहती है, क्या मैं डिसाइड कर लूं क्या बनाना है? अमाने कहता है, खाने लायक कुछ भी बना लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शीना कहती है, ठीक है, तुम लिविंग रूम में वेट करो और बार बार मेरे पास मत आना। अब अमाने उसे कुकिंग करता देखकर सोच रहा था, ऐसा लग रहा है जैसे ये वाइफ है। शीना कहते, तुम कुछ उल्टा सीधा तो नहीं सोच रहे हो? अमाने कहता है, कुछ भी मत सोचो। फिर दोनों डिनर करते हैं और अमाने को खाना बहुत डिलीशियस लगता है। शीना कहते, लगता है तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है। अमाने कहता है, ये सच में अच्छा है। वो कहता है, तुम्हें कूल रहने के बजाय अपने ऑनेस्ट लुक के साथ खाना खाना चाहिए, मुझे अच्छा लगा तो मैं तारीफ कर रहा हूँ। अब अमाने बर्तन धो रहा था और वो पूछता है, तुम्हें रोज यहाँ आकर खाना बनाने से प्रॉब्लम नहीं है? शीना कहते, अगर मुझे प्रॉब्लम होती तो मैं हाँ ही नहीं करती। अमाने कहते, लड़कियों को उनके लिए खाना बनाना पसंद नहीं जिन्हें वो लाइक नहीं करती। शीना कहते, तुम्हारी डाइट बहुत अनहेल्दी है और वैसे भी मुझे कुकिंग करना पसंद है, पर अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं नहीं बनाऊंगी। अमाने कहता है, नहीं नहीं प्लीज मेरे लिए बनाती रहो। अब अगले दिन स्कूल में टेस्ट थे। इत्सुकी उससे पूछता है, तुम्हारा कैसा गया? अमाने कहता है, ठीक ही था। इत्सुकी कहता है, तुम हमेशा ऐसा ही कहते हो पर टॉप 30 में आ जाते हो। फिर वो उसे गर्लफ्रेंड बनाने को बोलता है पर अमाने कहता है, मुझे नहीं बनानी। फिर इत्सुकी की GF चितो से वहाँ आती है और इत्सुकी उसके सर पे पैट करता है। तो अमाने कहता है, तुम दोनों एक रूम क्यों नहीं ले लेते? इत्सुकी की गर्लफ्रेंड भी अमाने को गर्लफ्रेंड बनाने को बोलती है जिससे वो उसकी गर्लफ्रेंड की दोस्त बन सके, पर अमाने को कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि चितो से चिपकू लड़की थी। अब रात में अमाने बर्तन धो चुका था और शीना अपने मैथ के मार्क्स को चेक कर रही थी। वो कहती है, तुम बहुत मेहनत करते हो। अमाने कहता है, तुम्हें कैसे पता? शीना कहती है, मुझे टॉप की लिस्ट के सभी के नाम याद है। अमाने बताता है, मुझे यहाँ अकेले रहने के लिए अच्छे ग्रेड्स मेंटेन करने होते हैं। और वो कहता है, तुम भी बहुत स्टडी करती हो। शीना कहती है, मुझे करना पड़ता है, पर वो रीजन बताए बिना ही वहाँ से चली जाती है। पर वो अपना आईडी कार्ड भूल गई थी। अमाने उस पे उसका डेट ऑफ बर्थ देख लेता है। अब वो उसे जाकर आईडी कार्ड दे देता है और सोचता है इसका बर्थडे बस कुछ ही दिन में आने वाला है। अगले दिन जब शीना कुकिंग के लिए उसके घर पे आई थी, अमाने उससे पूछता है, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? शीना कहती है, ऐसे अचानक से क्यों पूछा? फिर वो थोड़ा सोचती है और कहती है, चाकू शार्प करने वाला पत्थर। अमाने कहता है, एक हाई स्कूल लड़की को ये चाहिए? शीना कहती है, मैं नॉर्मल हाई स्कूल लड़कियों की तरह नहीं हूँ। अगले दिन स्कूल में अमाने इत्सुकी से गिफ्ट के बारे में पूछता है। इत्सुकी कहता है, तुम्हें लड़की के लिए गिफ्ट लेना है, इसके लिए तो इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। कौन है वो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? अमाने कहता है, नहीं। इत्सुकी उसे हैंड क्रीम सजेस्ट करता है क्योंकि वो सभी एज ग्रुप के लिए सही होती है और वो जल्दी एक्सपायर भी नहीं होती। स्कूल के बाद चितो से भी उन्हें ज्वाइन करती है। अमाने उससे भी गिफ्ट का सजेशन मांगता है। वो कहती है, तुम लड़की को गिफ्ट देना चाहते हो, कौन है वो मुझे भी बताओ। अमाने कहता है, वो एक एक्सपर्ट है और मेरे जानने वाली है और मैं कुछ नहीं बता सकता। चितोसे कहती है, मैं सजेशन कैसे दूं, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। अमाने कहता है, बस कुछ ऐसा बताओ जिसे पाकर लड़की खुश हो जाए। चितोसे कहती है, मैं समझ गई, तुम उसके बारे में बताना ही नहीं चाहते। वो कहती है, तुम रुमाल, स्नैक्स या फिर पर्स दे सकते हो, पर अगर तुम मुझे गिफ्ट देते तो मैं कहती, क्या है ये, क्या तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो? अमाने कहता है, मैं तुम्हें रिश्वत क्यों दूंगा? चितोसे कहती है, तुम उसे क्यूट सा डॉल क्यों नहीं दे देते? अमाने कहता है, इतने बड़े लड़के के लिए उसे ये देना सही रहेगा? वो चितोसे को उसके साथ चलने को कहता है। वो प्लीज प्लीज करता रहता है। चितोसे थोड़ा ड्रामा करती है कि मेरे पास टाइम नहीं है। अमाने कहता है, प्लीज मेरे साथ शॉपिंग पे चल लो। चितोसे मान जाती है पर इसके बदले उसे कुछ खाना है। उसके बाद हम घर का सीन देखते हैं। शीना बुक रीड कर रही थी। अमाने उसे बर्थडे गिफ्ट देता है। शीना पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं। अमाने बताता है, तुम्हारा आईडी कार्ड रह गया था, मैंने उस पे देख लिया था। शीना कहते, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं थी, मैं सेलिब्रेट नहीं करती। अमाने गिफ्ट का थैला उसके लेग्स पे रख के कहता है, इसे मेरा रीपे करने का जरिया समझ लो। शीना थैले से एक बॉक्स निकालती है, वो उसे ओपन करती है, उसमें हैंड क्रीम थी। अमाने कहता है, तुम बहुत सारा घर का काम करती हो तो मुझे लगा ये सही रहेगा, ये स्किन के लिए अच्छा है। शीना उसे थैंक्स कहती है।
फिर वो देखती है थैले में एक और गिफ्ट है, वो एक टेडी बियर था। अमाने कहता है अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो फेंक देना। शीना कहती है मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, मैं इसे संभाल के रखूंगी। वो कहती है ये पहली बार है जब मुझे कुछ ऐसा मिला है। अमाने कहता है मुझे लगा था तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट मिलते होंगे क्योंकि तुम पॉपुलर हो। शीना कहती है मैंने कभी किसी को अपने बर्थडे के बारे में नहीं बताया क्योंकि मुझे बर्थडे से नफरत है और मुझे स्ट्रेंजर से गिफ्ट लेने में डर लगता है, तो मैंने कभी किसी का गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया। अमाने कहता है क्या तुम मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट करोगी? शीना कहती है हाँ, क्योंकि तुम स्ट्रेंजर नहीं हो। अमाने उसके सर पे पैट करने के लिए अपना हाथ उठा रहा था जैसे उसका दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड को कर रहा था, पर वो सोचता नहीं और वो अपना हाथ नीचे कर लेता है। शीना कहती है क्या हुआ? अमाने कहता है कुछ नहीं। फिर शीना उसे थैंक्स कहती है और यहीं पे एपिसोड 2 एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड्स में, जब तक के लिए बाय बाय।